खरगोन जिले के महेश्वर नगर परिषद उपाध्यक्ष श्याम मेवाड़े ने नगरीय प्रशासन मंत्री जयवर्धन सिंह को लिखित शिकायत के माध्यम से बताया कि नगर परिषद अध्यक्ष मनीषा शर्मा और सीएमओ राजेंद्र प्रसाद मिश्र परिषद के वित्तीय अधिकारियों को ताक में रखकर जनधन का दुरुपयोग किया जा रहा है। विगत दो वर्षों में अध्यक्ष और तत्कालिक सीएमओ से मिली भगत कर मनमाने तरीके से मत खर्च किया जा रहा है। मेवाड़े ने आगे बताया कि परिषद कार्यालय में अध्यक्ष के बैठने वाले कार्यालय को सुंदरता प्रदान करने के लिए फर्नीचर पर लाखों रुपये खर्च किए गए, जिसका भुगतान अलग अलग मदों द्वारा नगर पालिका से किया गया। शासन द्वारा प्रदत्त कई मदों की राशि में हेरफेर कर अपने निजी खर्चों के लिए जनधन का उपयोग किया जा रहा है। साथ ही बिना किसी टेंडर प्रक्रिया को अपनाते हुए अपने मनमाने तरीके से ठेकेदार को भुगतान किया जा रहा है, जिसकी जाँच होना आवश्यक है। उपाध्यक्ष मेवाड़े ने नगरीय प्रशासन मंत्री से मांग करते हुए कहा कि जनधन में अनियमितताओं में शामिल जनप्रतिनिधि और अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम निवारण के अंतर्गत जांच होनी चाहिए। ज्ञात हो कि सीएमओ मिश्रा दूसरी मर्तबा यहां पदस्थ हुए हैं। तत्कालिक सीएमओ को रहते भ्रष्टाचार किया है, वर्तमान ने भी शासन के रूपये भ्रष्टाचार की भेंट न चढ़े, जिसको लेकर कार्यवाही की मांग की है। महेश्वर से विशाल अंबेकर की रिपोर्ट। जो उपाध्यक्ष ने आप पे नगरी प्रशासन को जो लेटर लिखा है, जो शिकायत करी है, उस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? पूरी शिकायत क्या की वो तो मुझे ज्ञान नहीं, मगर जो शिकायत की है वो जानकारी से प्राप्त हुई, जो पूरा निराधार है। मेरे द्वारा किसी भी प्रकार का मत परिवर्तन नहीं किया गया, न कभी भविष्य में करूंगा। शासन के नियमों का, निर्देशों का मेरे द्वारा पालन किया गया। और जो उन्होंने एक ये भी लगा आरोप लगाया कि जो अध्यक्ष का रूम सजाएगा उसमें लाखों रुपए खर्च कर दिए, उस संबंध में क्या बोलना चाहते हैं? अध्यक्ष के रूम के बारे में परिषद के गठन के पश्चात सभी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और सभी परिषद के सदस्य द्वारा प्रस्ताव के अनुसार रूम जो अस्त व्यस्त हो गया था, काफी जर्जर हो गया था, उसको थोड़ा सा रिपेयरिंग कराया गया। नए किसी प्रकार का नया रूम का निर्माण नहीं किया गया और सबकी सहमति से ही ये कार्य किया गया। और ये भी लगाया उन्होंने, जैसे भूतपूर्व में आप पदस्थ यहाँ पे थे, बोले उनकी गलती छुपाने के लिए वापस इन्होंने ट्रांसफर यहाँ करवाया। मेरे द्वारा किसी प्रकार का कोई ट्रांसफर नहीं कराया गया। शासन का आदेश हुआ, मैंने आदेश का पालन किया। शासन जैसा भविष्य में आदेश करेंगे, मैं तत्काल पालन करने के हमेशा तत्पर रहता हूँ। सर आपका नाम? राजेश मिश्रा, सीएमओ मंडलेश्वर। मैंने इसलिए दिया है कि नागरिकों द्वारा बताई जा रही थी कि समस्या है कि यहाँ पर काफी अनियमितता हो रही है, जिसके मेरे द्वारा अधिकारी कर्मचारियों से मैंने दस्तावेज पूछना चाहा, देखना चाहा, तो मुझे सूचना के अधिकार में वो बताते हैं कि सूचना के अधिकार में लीजिए। तो इससे प्रतीत होता है कि मेरा जहाँ तक कि यहाँ पे अनियमितताएं हुई है और भ्रष्टाचार हुआ है, इसलिए मेरे द्वारा शिकायत एवं जाँच की मांग की गई है। जो अपने आरोप लगाया, तो जैसे अभी सीमा साहब से इस संबंध में बताया, पूछा गया, उन्होंने मना कर दिया। वो तो केसबुक में सब उजागर है, केसबुक में सब है। राज्य वित्त आयोग में, राज्य वित्त में फंड में क्या होता है, इसमें मूलभूत की राशि कहाँ से क्या हुई, ये सब केसबुक से और वित्तीय से मालूम पड़ जाएगा। नहीं, उनका मतलब था कि जैसे आपने आरोप लगाया कि दो साल पहले जैसे अध्यक्ष का रूम सजाएगा तो उसमें लाखों रुपए खर्च किए गए, तो उनको बोले दो साल पहले ये भी थे, इन्होंने पहले क्यों नहीं एक्शन लिया, आप क्यों बोल रहे हैं? नहीं, इसलिए एक्शन इसलिए तब मुझे पता चला, जब केसबुक मेरे पास आई तब मैंने केसबुक की मांग करी थी। इसके पूर्व सीएमओ थे आधार सिंह जी, उन्होंने मुझे केसबुक उपलब्ध कराई। उस केसबुक को मैंने अवलोकन किया, जब उसमें मुझे पता चला कि काफी भ्रष्टाचार और अनियमितता है, इसलिए मैंने शिकायतें करी। ठीक है, आपका नाम? श्याम मेवाड़े, नगर परिषद उपाध्यक्ष। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।